सीधा पढ़ना है। मुंबई की ट्रैफिक में तो बहुत मजे थे। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद नोमान है, वेलकम टू आवर YouTube चैनल ट्रिप अनकट, क्योंकि लाइफ में कुछ कट नहीं है, सब अनकट है। तो ये हमारा सेकंड ब्लॉग है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं अफसर भाई? मालेगांव में, मालेगांव की गलियों में घूम रहे हैं और मोहम्मद अली रोड जा रहे हैं। तो अभी मोहम्मद अली रोड, मुंबई के मोहम्मद अली रोड बहुत फेमस है, अब मालेगांव के मोहम्मद अली रोड देखना पड़ेगा। वहाँ तो बहुत घूम लिए, आज मालेगांव की भी देखते कैसी है। तो चलते हैं, बोलते हैं वहाँ पर लुंगियाँ बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है, तो लुंगी लेना है अफसर भाई को। तो मजा आने वाली है आज, सीरियसली बहुत मजा आने वाली है। लुंगी डांस करना है और चलते फिर आगे मिलते हैं। तो अफसर भाई कैसा लग रहा है कि मुंबई की ट्रैफिक के बाद हम मालेगांव की ट्रैफिक में फंस गए? ट्रैफिक है और दिमाग खराब हो चुका है और एक के ऊपर एक बैठे हैं। तो देख रहे हो कैसा बैठे हैं, सैफ को देखो, सैफ के कंफर्टेबल बैठे हैं। हम अभी पहुंच गए हैं मोहम्मद अली रोड, मुंबई का नहीं मालेगांव का। ये मालेगांव का मोहम्मद अली रोड है, पूरा मुंबई वाली फीलिंग आ रही है इधर भी, क्योंकि पूरी पब्लिक देख सकते हो अच्छी खासी, और होलसेल की दुकान ही है इधर भी। चलते हैं, कुछ पसंद आएगा तो देंगे, चलते अपनी हमारी पब्लिक तो आगे चले गई है, फटाफट पहुंचते हैं उन लोग के साथ। तो हमारी पब्लिक एकदम आगे चलती हुई। तो सुबह से चाय नहीं मिली थी और आखिरकार हमको चाय मिली, तो चाय पहले पी लेते हैं, बहुत देर से चाय पीने का मन था तो फटाफट चाय पीते हैं और फिर शॉपिंग के लिए जो करना है और शॉपिंग करते हैं। मिलता ही नहीं इधर अपने को, ये तो चप्पल की दुनिया लग रही है भाई। हाँ मतलब फुल मुंबई है, मोहम्मद अली वाली फीलिंग आ रही है इधर भी। लाइन से दुकान है यहाँ पर, लाइन से सब दुकान है, शूज चप्पल। अच्छी जगह है शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी, बहुत अच्छी जगह है इधर अपने पास। तो अफसर भाई को कुछ लेना है तो फाइनली हम एक दुकान पे जा रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी भाई, क्वालिटी कैसा है अफसर भाई? प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है लुंगी की, तो यहाँ पर होलसेल मार्केट है पूरा लुंगी का भी, पूरी होलसेल मार्केट में। तो अफसर भाई क्या हुआ, ले लिया आपने? अरमान की 170 की है, और ये जो पैकेट वाली है चलते तक 12 में लुंगी की, तो ये 140 की है। अच्छा तो भाई क्वालिटी के ऊपर थोड़े प्राइस का डिफर होगा, बाकी सब ऑलमोस्ट कॉटन की लुंगी है, तो बहुत ही अच्छी है। तो हो गया, अपने को मिल गया। तो ये दुकान पे अगर आप भी आओगे ये साइड, तो ये दुकान विजिट कर सकते हो लुंगी के लिए। तो सैफ भाई आपको क्या तकलीफ है भाई, इतना टेंशन में क्यों? रूटीन बातों से लेकर आया गया, मतलब कैसा सीट खिलाएंगे, सीट नहीं है, पानी नहीं खाने वाले, बोले बोले खाने के लिए बहुत कुछ सबसे सकते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो चलेंगे तो कुछ नहीं खाने, बस देखो भाई खजूर दिख रहा है, खजूर खा जाए, काल खा तो नहीं आया हो यार मैं, हुक्का मिलता है मेरे को, हुक्का दिखा रहा है यार मेरे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी आप उन्हें ना आगे जाके एक गली बताया था उन्होंने, वो गली पार करके तो अपने को सीख पढ़ा सीख ये सब कलेजी की मिलेगी, तो चलते फिर फटाफट मिलेगी 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 इंशाल्लाह मिल जाएगी अभी अपने को, तुम टेंशन मत लो, हम खाएंगे आज, खा के जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे मालेगांव। ओल्ड टाइम के ड्रम्स हैं यहाँ पर, जो सीमेंट से बने हुए ड्रम्स हैं ये सब, तो देख रहे हो जैसे एकदम अलग ही है, यूनिक है। मैं सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि सीमेंट से बने हुए ड्रम देखा फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर लूम का कारखाना मिला हमको, जहाँ पर कपड़े बनते हैं, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं, दिखा सकते हो अंदर जाके।
तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि लूम के कारखाने इधर, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में लूम के कारखाने हैं, क्योंकि यहाँ से बन के, जैसे कि लूम क्या होता है, लूम के कारखाने क्या होते हैं कि जो धागे रहते हैं उससे कपड़े बनते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में ये बनते हैं, और यहाँ से ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे कि वाइट बनते हैं, उसके बाद वो कलर के लिए जाते हैं। जैसे कि आपको दिखाया जैसे धागे से बन रहे थे कपड़े, वैसे ही धागे से यहाँ पर कपड़े बनते। अब फाइनली हम ढूंढ रहे हैं दुकान वही सीख कलेजी की, मिल जाए तो क्या, सैफ भाई को बहुत मन है यहाँ पर खाने का और बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो भाई तुमको कैसा लगा लूम का कारखाना, जैसा तुमने देखा मतलब कितनी आवाज़ रहती है और वहाँ काम कैसे कर लेते हो भाई? देख, पैसे के लिए यहाँ पर सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि पैसे की असली अहमियत तुमको ही पता होती है, कि जो 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 इंसान जो काम करता है ना उनको पहचानना चाहिए, वो नहीं कि जो बात बाप का पैसा, इनका पैसा, उनका पैसा उड़ा रहे हैं। पैसा तो बाप का है, खुद कमाओ ना, तब पता चलेगा तुमको कि पैसे की अहमियत कितनी होती है। तो भाई ने बहुत अच्छी लाइन बोला यहाँ पर, ये चीज़ समझना चाहिए पब्लिक को, तो प्लीज़ ये लाइन में भाई की, भाई को इसके लिए हम लोग वीडियो में रहते हैं, भाई की लाइन जो बोलते हैं ना भाई, वो बहुत कड़क कड़क लाइन होती है। तो अभी माशाल्लाह एक मस्जिद दिखी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत मुझे बहुत प्यारी लग रही है हम लोग को मस्जिद, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पर, कि क्या बताएं इसके बारे में, बहुत प्यारी लग रही है। तो ये मस्जिद का नाम है भाव मियां मस्जिद, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। अंदर अभी जाने का नमाज का टाइम तो नहीं है, तो हम अंदर जाके भी दिखाते थे, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। यहाँ पर समोसा खाने के लिए रुके हैं, यहाँ पर समोसा अच्छा है, तो पूछते हैं फैजल भाई से, रिव्यू लेते हैं समोसा कैसा लगा भाई को। तो फैजल भाई समोसा कैसा है भाई? देखो मैं इतना ही कहूँगा, फाइव स्टार होटल में समोसा खाना और ये समोसा खाने में बात ही कुछ और है, मतलब बहुत अच्छा था, ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा समोसा रहता है। तो सैफ भाई समोसा कैसा लगा? आगे खा सकते सही, मतलब अच्छा है और परफेक्ट, मस्जिद के सामने ही है दुकान। तो हम लोग अभी सीख पराठा खाने गए थे, मगर वो सीख पराठा हमको देख के मन नहीं लगा खाने का, और ऊपर हमको अभी रात को जाना है और एक जगह एक्सप्लोर करने, वहाँ पर भी हमको खाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने ये कैंसिल किया सीख पराठे का। तो सैफ भाई जब सीख पराठा, मगर हमको अच्छा चीज़ का लगेगा, तो चलते हैं आप आगे, रिक्शा में बैठ गए, अफसर भाई भी बैठने वाले हैं, अफसर भाई देख सकते हैं कितने लोग बैठे हैं एक रिक्शा में, और अभी अफसर भाई भी बैठेंगे, कितने ढेर सारे लोग हैं, तो चलते हैं फटाफट। तो हम छोटू दादा से मिलने आए थे, तो छोटू दादा हमको मिले नहीं, हमको मुन्ना दादा मिल गए, तो मुन्ना दादा से मिलते हैं फटाफट और उनसे बात करते हैं, मुन्ना दादा से आपको मिलाते हैं। तो ये हमारे मुन्ना दादा, मुन्ना दादा कैसे हो? ठीक है भाई। तो हम आपसे मिलने आए थे मुंबई से, एक मिनट सर, मैं कॉल करता हूँ वापस, मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग आपसे मुंबई से मिलने आए थे, हमारी भोजपुरी, हमारे चैनल का नाम है ट्रिप अनकट, हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, हम लोग वहाँ मुंबई से आए थे आपसे और छोटू दादा से मिलने के लिए। अच्छा, छोटू दादा तो है नहीं इधर, तो आप ही, तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर को आप कुछ बोलिए। हाय गाइस, मैं मुन्ना दादा, मैं ये अपने भाई लोग को सपोर्ट करना चाहता हूँ, और आप तमाम व्यूअर से और सब्सक्राइबर से एक अपील करना चाहता हूँ, हमारे चैनल ट्रिप अनकट को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दादा, थैंक यू। तो हम छोटू दादा से मिलने का ट्राई करने वाले थे, मगर हमको जैसे ही पहुँचे तो हमको मालूम पड़ा कि हमको छोटू दादा मिले नहीं, क्योंकि छोटू दादा नहीं है यहाँ पर। तो भाई आपको कैसा लग रहा है कि छोटू दादा हमको मिले नहीं? कुछ नहीं, बैठ लगता, नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन जो जो भी मिले, जानी भाई इनका नाम नहीं, मुन्ना दादा मिले, नहीं सॉरी मुन्ना दादा नाम था, मगर उनका भी मैंने देखा है कुछ कुछ वीडियो, लेकिन बहुत मस्त आदमी था यार, मतलब बोलते ना दिलदार आदमी होता है ना, दिलदार आदमी।